नमस्कार सभी अभ्यर्थियों का SLB हिंदी ट्री की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय अभ्यर्थियों, जो विद्यार्थी कक्षा 12 पास करके BSTC की परीक्षा देने जा रहे हैं, यह वीडियो विशेष तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए है, उनकी शंकाओं के समाधान के लिए है और उनके लिए सब कुछ क्लियर करने के लिए है कि BSTC क्या होती है, इसकी क्या योग्यता होती है और कैसे BSTC परीक्षा पास करें और BSTC करने के बाद आगे हम किस क्षेत्र में जा सकते हैं, तो उसी के बारे में ये वीडियो। तो ज़रूर आप ये वीडियो देखें, इसमें सभी शंकाओं का समाधान होगा। सबसे पहले BSTC क्या है? सभी विद्यार्थियों के मन में यही प्रश्न कौंधा होगा, BSTC क्या है, कौन दे सकता है BSTC की परीक्षा, क्या है BSTC के लिए योग्यता, कैसे करें इसकी तैयारी और कौन सी पुस्तक पढ़ें। इन सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले BSTC क्या है? तो BSTC 2 साल में पूरा होने वाला एक कोर्स है। इसे कक्षा 12वीं पास करने के बाद किया जाता है। यद्यपि रेगुलर कक्षा 12 पास करने वाले विद्यार्थी और जो कक्षा 12 की परीक्षा दे रहे हैं, परिणाम नहीं आया है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस कोर्स में प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी यह प्राइमरी अध्यापक बनने के लिए एक योग्यता कोर्स है। मतलब कक्षा 1 से 5 तक या इससे आगे भी। DLED क्या है? अब देखो, DLED है वो BSTC का ही नाम है। साल 2019 में सरकार ने BSTC का नाम बदल दिया था और आजकल ये DLED के रूप में जानी जाती है। और DLED की फुल फॉर्म है वो होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कक्षा 1 से 5, जिसे हम कहते हैं टीचर लेवल 1। तो टीचर लेवल 1 में योग्यता हासिल करने के लिए BSTC यानी DLED करना अनिवार्य होता है और इसके बाद ही आप तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके बाद योग्यता क्या है? तो BSTC के लिए योग्यता क्या है? तो इस कोर्स को करने के लिए किसी भी वर्ग से, चाहे वह सामान्य का है, OBC का है, SC का है, ST का है, SBC का है, सभी के लिए 12th पास होना जरूरी है। इसके साथ ही जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी है, उनके लिए 12th में 50% अंक, जबकि विशेष वर्ग के अन्य जो OBC, SC, ST, SBC आदि जो अभ्यर्थी है, उनके लिए कक्षा 12 में 45% अंकों का होना अत्यावश्यक है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, सामान्य की अभ्यर्थी 50% अंकों का होना जरूरी है, जबकि विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कक्षा 12 में कम से कम 45% होना अनिवार्य है। अब कैसे करें BSTC? तो BSTC करने के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा यानी कक्षा 12 पास करनी है, फिर प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना है। केवल कक्षा 12 पास कर लेने से ही इस कोर्स में प्रवेश नहीं मिलता। इसके लिए आपको क्या करना होता है? इसके लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा देनी होती है और उसमें सफल होना होता है। देखिए, इसमें प्रवेश पाने के लिए हर साल BSTC एंट्रेंस एग्जाम आयोजित होता है, अमूमन मई के महीने में। इसके बाद जो परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग के आधार पर उनकी मेरिट बनाई जाती है और मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए कॉलेजों का आवंटन होता है, जहां पर वो प्रशिक्षण करते हैं। अब BSTC में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो एंट्रेंस एग्जाम में जब आप योग्यता हासिल करने के लिए एग्जाम देते हैं, तो मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान का सामान्य ज्ञान, कला, संस्कृति, भूगोल सभी, टीचिंग मेथड यानी शिक्षण जो अभिवृद्धि है, शिक्षण अभियोग्यता है उसका ज्ञान, हिंदी व्याकरण का ज्ञान, इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान और साथ ही साथ संस्कृत ग्रामर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। और इन सभी विषयों से संबंधित कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें कौन से विषय में कितने प्रश्न, कितने अंक का होता है और किस प्रकार परीक्षा में अंक विभाजन तय किया जाता है, इसके बारे में भी एक वीडियो में बहुत जल्द बनाऊंगा सिलेबस से संबंधित, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। इसके साथ ही ये जो ग्रामर का विषय है, इसमें यदि आप पूर्ण रूप से दक्षता हासिल करते हैं तो BSTC में सफल होना आपके लिए काफी हद तक क्लियर हो जाता है। अब कौन सी पुस्तकें पढ़ें, यह विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा
कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सी पुस्तक पढ़े। तो मैं आपको राय देना चाहूंगा कि यदि आप गाइड पढ़ते हैं तो एक ही पढ़े, अनावश्यक ज्यादा गाइड के चक्कर में न पढ़े। लक्ष्य पब्लिकेशन की आप पुस्तक पढ़ें, उसमें मानसिक योग्यता, राजस्थान के बारे में सामान्य ज्ञान क्लियर हो जाएगा। हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए आप कक्षा 9 से 12 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी व्याकरण नवीन रचना पढ़ें। संस्कृत व्याकरण के लिए कक्षा 6 से 12 तक, यानी 6 से 10 तक मान लीजिए आप, 6 से 10 तक की जो व्याकरण है वो पूरी पढ़ें। और अंग्रेजी व्याकरण के लिए भी कक्षा 6 से लगाकर 10 तक पाठ्यक्रम में जो भी व्याकरण है उसको आप सही ढंग से सब्जेक्ट की या बोर्ड की किताब लेकर उसको आप सही ढंग से पढ़ लें। तो हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण और लक्ष्य पब्लिकेशन, इसके साथ ही पिछले वर्षों के जो सॉलिड पेपर है बीएसटीसी के, उनका भी अध्ययन आप जरूर करें। अब आप बीएसटीसी कर लेते हैं, इसके बाद क्या? तो बीएसटीसी विशेष रूप से प्राइमरी टीचर बनने का कोर्स है, अतः इस कोर्स को किया हुआ कोई भी अभ्यर्थी यदि आप इस कोर्स को पास कर लेते हैं, बीएसटीसी की परीक्षा पास कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए या 1 से 5 तक पढ़ाने वाले जो अध्यापक है वह योग्यता आप में आ गई है, और उस योग्यता के बल पर, उस योग्यता के सहारे आप तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसमें शामिल हो सकते हैं और उसमें पास होकर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को अध्ययन करवा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कैसा लगा वीडियो जानकारी जरूर दें, और आगे वाले में सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, तो साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।